A very beautiful morning, my dear students, with my blessings. Today our topic is formation of plural nouns, lesson number 2 of English grammar, noun and its kinds. Let's start formation of plural nouns. आज हम प्लूरल नाउन की फॉर्मेशन को रीड करेंगे, उसके रूल्स रीड करेंगे कि कैसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. देखिए, प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स. प्लूरल नाउन्स जो होती हैं हमेशा सिंगुलर नाउन से ही प्लूरल नाउन बनेंगी. दीज आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोइड वाइल फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स. कुछ रूल्स होते हैं, कुछ निश्चित रूल होते हैं जब हम फॉर्म करते हैं प्लूरल नाउन को. तो देखिएगा, फर्स्ट रूल इज़ मोस्ट सिंगुलर नाउन्स चेंज इन टू देयर प्लूरल फॉर्म बाई एडिंग एस एट देयर एंड. बहुत सारी जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनको चेंज किया जा सकता है कैसे, लास्ट में एस ऐड करके. सिंगुलर नाउन में अगर हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं वो प्लूरल नाउन बन जाती है. मोस्टली में ऐसा ही होता है. जैसे गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल, गर्ल का क्या बन जाएगा, गर्ल्स, यानी एक लड़की और यहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ हो गई. टाउन, टाउन्स, विंडो, विंडोज, गिफ्ट, गिफ्ट्स. नेक्स्ट जो है हमारा रूल, देखिए, सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद वोवल प्लस वाई. अगर किसी सिंगुलर नाउन की एंड में वोवल प्लस वाई आ जाता है, वोवल हमें पता है ए ई आई ओ यू, हमारे पांच वोवल होते हैं, पांचों वोवल में से जिसमें भी एंड में वोवल के साथ वाई आ जाता है, जैसे यहाँ पे की था तो की में यहाँ पे ई है, वोवल है. ई क्या है, हमारा वोवल है, फाइव वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ई है और ई के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वाई, तो ई के वोवल प्लस वाई आ जाता है. वोवल प्लस वाई हो गया ना, तो वोवल प्लस वाई जहाँ पे भी आएगा, तो जब भी हम उसे प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस में एस बन जाएगा. एट देयर लास्ट में उसके भी पीछे क्या लगाएंगे, एस. तो कीज़, बॉय का बॉयज़, डे का डेज, वैली का वैली. जैसे यहाँ पे ओ है बीच में, वोवल होता है, ए है बीच में, फिर वाई है, ई है बीच में, फिर वाई है. नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड जो हमारा रूल है, सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद वोवल प्लस ओ चेंज इन टू देयर प्लूरल फॉर्म बाई एडिंग एस एट देयर एंड. जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं जिसमें वोवल प्लस ओ होता है, अब देखिए जैसे आर ए डी आई ओ, यहाँ पे आई है जो कि वोवल है, प्लस में ओ है, ऊपर वाले में क्या था, वाई था प्लस में, यहाँ पे क्या है, ओ. तो जिसमें भी वोवल प्लस ओ आ जाता है तो हम उसको चेंज करेंगे जब, चेंज इनटू देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस एट देयर एंड, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी एस ऐड हो जाएगा. तो रेडियो का क्या बन गया, रेडियोज, इग्लो का इग्लोज, वीडियो का वीडियो, जू का जूस. नेक्स्ट देखिए बच्चों, सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ. अब बात आती है कॉन्सोनेंट की, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं. चेंज इन टू दर प्लूरल फॉर्म बाई एडिंग ई एस एट देयर एंड. तो सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के अंदर कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ जाता है. जैसे हीरो, आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, प्लस में क्या आ गया, ओ, तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो गया ना, तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ जाता है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, ई एस लगेगा. ध्यान रखिएगा ये बात, क्या लग जाएगा, ई एस लगेगा. तो इसमें बना दिया हमने हीरो के बाद ई एस लगा दिया. टोमेटो, टी ओ है, ये टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है और बाद में फिर क्या है, ओ, तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ है तो क्या हो जाएगा, ई एस लग जाएगा. ऐसे ही वेलकनो, वेलकोनेज, मैनो, मैंगो, मैंगोजेस. सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स. ये ध्यान से देखिए बच्चों, छः वर्ड्स यहाँ पे बताए हैं, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स. ये छः के छः किसी भी सिंगुलर नाउन्स के पीछे आ जाते हैं तो चेंज इन टू देयर प्लूरल फॉर्म बाई एडिंग ई एस एट देयर एंड. तो इन पे भी क्या लग जाता है, ई एस. समझ में आए ना बच्चों. तो देखिएगा यहाँ पे बस का क्या हो गया, बसेस, ग्लास का ग्लासेस, बेंच का बेंचेस. देखिए यहाँ पे एस है लास्ट में तो ई एस लग जाएगा. यहाँ पे देखिए डबल एस है, डबल एस में भी ई एस लग जाएगा. देखो बताया गया, सी एच है तो ई एस लग जाएगा बाद में, एस एच है तो क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, जेड है तो ई एस, बॉक्स एक्स है तो ई एस. ऐसे ही सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अब बात आती है कॉन्सोनेंट प्लस वाई की. जैसे इसमें था ना वोवल प्लस वाई और कॉन्सोनेंट वोवल प्लस ओ, वोवल प्लस वाई, वोवल प्लस ओ, वैसे इसमें आया कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस ओ. कॉन्सोनेंट प्लस ओ हमने कर लिया था जिसके पीछे ई एस लगता था, अब हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई करेंगे. कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाता है तो हमेशा आई ई एस लगेगा. जैसे सी एच ई डब्ल आर वाई, चेरी है जैसे कि,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है आर और प्लस में क्या आ गया वाई, तो आर वाई हो गया ना, तो क्या हो जाएगा इस वाई को हटा के, ध्यान रखिए बच्चों क्या बोल रही हूँ मैं, इस वाई को हटा के क्या लग जाएगा आई ई एस, आई ई एस, लेकिन वोवल प्लस वाई में ऐसा नहीं था, हम वाई को हटाते नहीं थे बल्कि साथ में एस लगा देते थे। अब इसमें कॉन्सोनेंट प्लस वाई में उस वाई को हटा के क्या लग जाएगा आई ई एस, बेबी का बेबी, सिटी का सिटीज, लेडी का लेडीज। नेक्स्ट जो रूल है वो देखिए बच्चों, सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद एफ और एफ ई, जो सिंगुलर नाउन एंड होता है इसका एफ और एफ ई से, चेंज इनटू देयर प्लूरल फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द एफ और एफ ई विद वी ई एस। तो कहता है बच्चों, जिस भी सिंगुलर नाउन के एंड में एफ आ जाता है या एफ ई आ जाता है तो उसको चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो वो रिप्लेस हो जाएगा एफ और एफ ई की जगह क्या बन जाएगा, वी ई एस बन जाएगा। देखिए जैसे कि के एन आई एफ ई, नाइफ था, नाइफ यानी चाकू, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है एफ ई है, तो एफ ई को हटा के दोनों को तो क्या बन गया वी ई एस। ऐसे ही डब्ल्यू एल एफ, वॉल्व था, एफ को हटा के वी ई एस, तो लाइफ का लीव्स, काफ का काफ्स। तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इनटू देयर प्लूरल फॉर्म इन एन इरेगुलर वे, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसी होती हैं बच्चों जिनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते टाइम इरेगुलर वे से करते हैं, तो इसका कोई रेगुलर वे नहीं है। देखिए पर्सन का क्या बन जाएगा, पीपल, पर्सन यानी एक व्यक्ति होता है, पर्सन यानी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और पीपल यानी लोग, अब बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं पीपल में। जैसे कैक्टस, कैक्टस का बन जाता है कैक्टी, कैक्टस होता है सिर्फ एक, कैक्टी होते हैं बहुत सारे। फुट, फुट यानी कि पैर, और फिट यानी कि दोनों पैर। माउस यानी कि चूहा, माइस यानी कि बहुत सारे चूहे, तो ऐसे प्लूरल नाउन में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा बच्चों, सम सिंगुलर नाउन डू नॉट चेंज इनटू देयर प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको प्लूरल फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते, तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं बच्चों जो प्लूरल फॉर्म में चेंज ही नहीं होती, सिंगुलर नाउन्स ऐसी होती हैं, जैसे कि दे रिमेन द सेम, वो सेम ही रहेंगी, जैसे फिश का फिश ही रहेगा, चाहे वो एक मछली हो चाहे वो ज़्यादा मछली हो। सीरीज, सीरीज ही रहेगा। ज्वेलरी, ज्वेलरीज ही रहेगा, ज्वेलरी ही रहेगा। और जीन्स, जीन्स ही रहेगा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही रहेगा। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो हमारे प्लूरल नाउन में चेंज करने के बच्चों ये कुछ रूल्स थे जो है, यहाँ पे 9 रूल्स दिए गए थे, आप भी इनको अच्छे से रीड करिएगा बच्चों, और जो है कल हम इनके आगे एक्सरसाइज करेंगे जो गिवन है। एक लास्ट रूल और बाकी है, देखिएगा, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द कंपाउंड नाउन सिंगुलर वी ऐड एस टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कहता है कि जब भी हम प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ऑफ द कंपाउंड नाउन, अगर कोई कंपाउंड नाउन की प्लूरल फॉर्म दे रखी है तो सिंगुलर है वो, तो हम उसको प्लस ऐड करके फर्स्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन, जैसे कि सिस्टर इन लॉ है, कंपाउंड नाउन हो गई ना। कंपाउंड नाउन कौन सी होती है जिसमें, जैसे यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, एक से ज़्यादा वर्ड्स दिए गए हो जहाँ पे, सिस्टर इन लॉ एक ही हो गई सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, यहाँ पे एस लगेगा, जो मेन है ना हमारा उसके ऊपर एस लग जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। पासर बाय, पासर्स बाय। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो इस तरह की कुछ नाउन्स होती हैं, कल हम इनकी एक्सरसाइज रीड करेंगे अच्छे से। तो थैंक यू सो मच बच्चों।